हेलो फ्रेंड्स, काजल्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों के लिए हेल्दी कलरफुल पूरी। बच्चों को अक्सर सब्जियां पसंद नहीं होती हैं, बट बच्चों के लिए सब्जियां बहुत ही ज़रूरी हैं। तो ये हमने नेचुरल कलर से बनाई है, कोई भी मिलावट नहीं है। तो हम कलरफुल पूरी बनाना शुरू करते हैं। कलरफुल पूरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है एक बंच पालक ली है और दो बीटरूट लिए हैं। एक बंच पालक ली है। ये पालक जो होती है हमारे इधर मुंबई की पालक बिल्कुल साफ होती है और इसमें मिट्टी नहीं होती है, तो हमें बिल्कुल साफ ही पालक है। हम इसे जो है पहले काट लेंगे, हमें इसे छील लेना है और इसमें से आधी हम लेंगे पत्तियाँ और आधी हम रख देंगे। और आधी पत्तियों में से हम देख लेंगे, अगर कोई ख़राब पत्ती है तो हम उसे निकाल देंगे। इस तरह से हमें इसे बस सिर्फ चेक कर लेना है, मिट्टी इसमें बिल्कुल नहीं होती है। अगर आपके उधर पालक में मिट्टी है तो प्लीज़ आप पहले उसे साफ़ कर लीजिए अच्छे से, फिर उसे धो लीजिए, फिर उसे यूज़ कीजिए। अभी हमने ये पालक ले ली है, इसकी हम इसको जो है हम सीधा इसकी साइड्स को कट कर लेंगे। इस तरह से हमें इसे कट कर लेना है और हमें पालक को जो है एक बॉल में डाल देंगे और इसे पानी से धो लेंगे। ये हमने इसे पालक को पानी में से धो लेना है और उसे पीस लेना है, ब्लेंड कर लेना है। अभी हम इसे पीस लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे और हमारा जो पालक का पेस्ट है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अभी हम एक बॉल लेंगे, बॉल के ऊपर हम एक छलनी रखेंगे और छलनी में हम ये सारा पेस्ट डाल लेंगे और जो हम इसका फिर इसका पानी निकलेगा हमें वो यूज़ करना है। इस तरह से हम इसे छान लेना है। अभी इसमें थोड़ा सा मिक्सचर है, इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल लेंगे और ये भी हम इसमें डाल देंगे। अभी हमने जो है सिर्फ इसका पानी ले लेना है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे एक कप व्हीट फ्लोर, गेहूं का आटा लेना है और अभी हम इसमें ऐड करेंगे कैरम सीड्स, अजवाइन हाफ टी स्पून ली है, थोड़ा सा मैंने इसमें नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए, और थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है, 1 टीस्पून ऑयल ऐड किया है। अभी हम इसे मिक्स करके गूंथ लेंगे। अगर आपको लगता है इसमें पानी की ज़रूरत है तो ही आप पानी डालिए, वरना ऐसे ही आप इसे गूंथ लीजिए। पालक का डो जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अभी ये थोड़ा सा हार्ड है, अभी हम इसे 10 मिनट के लिए साइड पर रख देंगे। अभी हम यहाँ पे लेंगे दो बीटरूट, इसे जो है हमने पील कर लेना है, छील लेना है और कद्दूकस कर लेना है, ग्रेट कर लेना है। मैंने यहाँ पे पहले से ही बीटरूट को कद्दूकस कर लिया था। अभी हम एक बॉल लेंगे, बॉल के ऊपर छलनी रखकर हम इसमें से भी इसका पानी जो है निकाल लेंगे। ये जो है इसका पानी जो है हमने निकाल लिया है। अभी हम फिर से इसमें ऐड करेंगे 1 कप व्हीट फ्लोर, थोड़ा सा नमक ऐड किया है और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे व्हीट फ्लोर, गेहूं का आटा, थोड़ा सा हम इसमें लेंगे अजवाइन हाफ टी स्पून और थोड़ा सा हम इसमें लेंगे ऑयल, ये मैंने लिया है 1 टीस्पून, और इसे अच्छे से मिक्स करके इसका भी हम डो जो है तैयार कर लेंगे। अगर आपको लगता है इसमें भी पानी की ज़रूरत है तो ही आप पानी लें, वरना आप इसे ही गूंथ सकते हैं। हमारा बीटरूट का जो डो है वो भी बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अभी हम 10 मिनट के लिए इसे साइड पे रख देंगे और 10 मिनट बाद हम इसे लेकर फिर अच्छे से एक बार गूंथ लेना है। और हमारा जो बीटरूट का डो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। अभी हम पालक का डो ले लेंगे, 10 मिनट बाद इसे भी एक बार अच्छे से गूंथ लेना है। और हमारा जो इसी तरह से पालक का डो और बीटरूट का डो, और ये जो है मैंने सिंपल डो लिया है यहाँ पे, जो मैंने सिंपल हम घर पे गूंथते हैं वो ले लिया है। अभी हम पालक के आटे में से, पालक के डो में से आधा जो है आटा ले लेंगे और आधा हम साइड पे रख देंगे। इस तरह से हमने आधा ले लेना है और उसका पेड़ा कर लेंगे, उसकी बॉल बना लेंगे और उसे फ्लैट कर लेंगे, फ्लैटनिंग यानी कि इसे बेल लेंगे। इसी तरह से हमें इसे बड़ी रोटी की तरह बेल लेना है। अभी हमारा ये तैयार हो गया है। अभी हम बीटरूट का डो लेंगे, उसमें से भी आधा डो ले लेंगे और आधा हम साइड पे रख देंगे।
आधा डो लेकर हमने उसी तरह उसकी बॉल बनाकर इसे भी बेल लेना है। और हमारा ये बीटरूट का भी है तैयार हो गया है। अभी हम इसी तरह से सिंपल वाला आटा लेंगे, प्लेन वाला, और इसे भी बेल कर, इसे भी हम बॉल बनाकर बेल लेंगे। इसी तरह से हमने तीनों रोटी को बेल लिया है। अभी हम सबसे पहले पालक वाला लेंगे, फिर हम सिंपल वाला आटे वाली रोटी लगाएंगे, उसके बाद हम बीटरूट वाले आटे की। इस तरह से अभी हम इसे इस तरह से पहले सबसे पहले दबा लेना है, थोड़ा थोड़ा सा हल्के हाथों से। अभी हम इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे, और हमें फोल्ड करते हुए ध्यान रखना है, इसे जो है हमें टाइट टाइट फोल्ड करना है। इस तरह से हमें इसे फोल्ड कर लेना है। अभी हम इसे कट कर लेंगे। इसके सबसे पहले हमें साइड्स को जो है कट कर देना है। अभी हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे। हमने सभी डो को जो है इकट्ठा करके कट कर लिया है। अभी हम एक पेड़ा लेंगे, इस तरह से एक ये लेंगे, इसे जो है इसकी साइड्स को दबा लेंगे और इसे बेल लेंगे। हमें इसे इस तरह से बेल लेना है और अपनी पूरी को तैयार। हमने सभी पूरियों को यहाँ पे बेल लिया है, और पैन में मैंने ऑयल पहले से ही गर्म कर लिया है। अभी हम इसमें एक पूरी डालेंगे और इसे हल्का सा दबाते हुए इसे फ्राई कर लेंगे। इससे हमारी पूरी क्या होएगी, बीच में से फटेगी नहीं और अच्छे से फूल जाएगी। अभी एक साइड से होते हुए हम इसे दूसरी साइड से भी पका लेंगे, और हमारी जो कलरफुल पूरी है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। बच्चे इसे देखते ही बहुत खुश हो जाते हैं। आप बच्चों को ज़रूर खिलाएं, मेरे बेटे को बहुत पसंद आई है, उसने कम से कम 3-4 पूरी खा ली इसी टेस्ट में, कलरफुल पूरी को देखकर। और यह पूरी बनाने में भी बहुत आसान है, और आप अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाएं। और हमारी जो रेसिपी है पूरी की, वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।